फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में डाल सकते हो और जेंट स्वेटर में डाल सकते हो। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 4 के मल्टीपल में फंदे लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन सही से सेटल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं और बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और डिज़ाइन बनाने से पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 4 के मल्टीपल में फंदे लेके और ये 4 सिलाइयों में थोड़ा सा ये बॉर्डर बनाया है। तो देखिए, अब मैं इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करूँगी। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये एच स्टिच है, एक फंदा और बना लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे, 2, 3। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के ये 3 फंदे सीधे बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारी ये फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम बैक साइड में। बैक साइड में हमारी पूरी सिलाई पूरे ही डिजाइन में उल्टी बनती जाएगी। अब आ गए हम सीधी तरफ थर्ड रो में। देखिए फ्रेंड, थर्ड रो को फिर से ऐसे ही बनाएंगे, ये एच स्टिच, एक फंदा और बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जैसे फर्स्ट रो बनाई थी ऐसे ही इसको रिपीट करेंगे। 3 फंदे उतारेंगे, स्लिप करेंगे जैसे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे। धागा पीछे, एक फंदा फिर सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे, लास्ट के 3 फंदे सीधे। ये हमारी थर्ड रो थी। अब हम आ गए फोर्थ रो पे बैक साइड में। बैक साइड को पूरी को सिलाई को उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ फिफ्थ रो पे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 सिलाइयां बन गई है। जैसे हमने धागा आगे किया था, इनमें हमने डिजाइन डाला था। अब हम इस 5वीं सिलाई में डिजाइन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रो में हमने यहाँ पे 2 फंदे बनाए थे, एक एच स्टिच, एक फंदा और साथ में। अब की बार यहाँ पे एक एच स्टिच और 2 फंदे, ये हमारे टोटल 3 फंदे बन गए। अब हम इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे, जो ये 2 धागे थे, और इस फंदे को सेंटर वाले को बना के इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से ये सेंटर का फंदा आ गया हमारा जो बीच में है, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे के को बनाएंगे ऐसे, उतार देंगे और इसके नीचे से सिलाई डाल के ऐसे ले आएंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर हमारा ये सेंटर का ही फंदा आ जाता है जब हमारे 3 फंदे बन जाते हैं। तो यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को बना लेंगे सीधा, उतार देंगे, फिर नीचे से ऐसे सिलाई डाल के इसको ले आएंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से ये सेंटर का फंदा आ गया हमारा, इसको बनाएंगे। इस 2 धागे हैं जो इनके नीचे से देंगे, सिलाई लगाएंगे और यहाँ से निकाल के इसको बना देंगे
ऐसे ले आएंगे। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब फिर हमारा ये सेंटर का फंदा आ गया जो हमने तीन स्लिप करे थे। इस फंदे को बनाएंगे सीधा, इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे उतार देंगे। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर से ये स्लिप हुआ फंदा जो सेंटर का, इसको बनाएंगे नीचे से सिलाई डाल के ऐसे, और इसके नीचे से ऐसे ले आएंगे। और फिर से ये चार फंदे हमारे यहाँ पे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से ये अब हमारा पांचवी सिलाई है, डिजाइन थोड़ा सा दिखाई देने लग गया। अब आएंगे हम सिक्स रो पे, सिक्स रो को बैक साइड से पूरी को उल्टा बनाएंगे, उल्टा बना के इसको पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिक्स रो बन के कम्प्लीट हुई, और सिक्स रो में ही हमारा ये डिजाइन बन जाता है, सिक्स रो का डिजाइन है। अब इन्हीं सिक्स रो को रिपीट करेंगे, पर हमारा ये डिजाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे अब ये यहाँ पे था ये डिजाइन, अब ये यहाँ पे आएगा। तो जो ये सेंटर के फंदे हैं, अब पहली बार तो हमने यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाए थे, एक एच स्टिच एक फंदा और। अब हम दोबारा से डिजाइन को डालेंगे तो छह सिलाइयों के बाद दोबारा से सिलाई डालेंगे छह, तो यहाँ पे चार फंदे बनाएंगे हम, और चार चार फंदे बनाने के बाद अब हमारे ये बीच में तीन फंदे आ गए सेंटर वाले, धागा आगे करेंगे और इन तीन को स्लिप कर लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा पीछे करेंगे सॉरी, और इन चार फंदों को सीधा बना देंगे। स्टार्टिंग में भी हमारे चार फंदे सीधे थे और एंडिंग में भी हमारे चार ही फंदे सीधे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये दोबारा से डिजाइन डलना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही इनको रिपीट करते जाएंगे, जैसे हमने ये फर्स्ट सेकंड रो की थी, ऐसे ही यही सिक्स रो को रिपीट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट में हमने यहाँ दो फंदे लिए थे, यहाँ पे अब चार फंदे लेंगे। अब बैक साइड से इसको फिर से उल्टा बनाएंगे और थर्ड रो को फिर ऐसे ही फर्स्ट की तरह बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम सीधी तरफ से, हमारी फिर से दोबारा से ये चार सिलाइयाँ बन गई। अब फिर आ गए हम दोबारा से पांचवी सिलाई पर, फिर से ये फंदा सीधा, दो तीन और चार। अब की बार एक फंदा और बनाएंगे, पांच बन जाएंगे अब हमारे यहाँ पे जब हम डिजाइन को कवर करेंगे। पांच बनने के बाद हमारे यही सेंटर का फंदा आ जाता है बीच में, जो एक फंदा जो तीन थे बीच में उनमें से एक फंदा बन गया, चार हमारे पहले से थे। तो यहाँ से डिजाइन को सेट करेंगे तो यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को बना लेंगे, उतार देंगे, इसके नीचे से ऐसे ले आएंगे ऐसे। फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। फिर से हमारा ये सेंटर का फंदा आ गया, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे ऐसे उतार के, इसके नीचे से ऐसे ले आएंगे। फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हमारा ये सेंटर का फंदा आ गया, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे नीचे से और इस फंदे को बना देंगे सीधा, इसके नीचे से डाल के ऐसे वापिस ले आएंगे। फिर से तीन फंदे सीधे, फिर से हमारा सेंटर का फंदा आ गया, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे, उतार देंगे, फिर नीचे से सिलाई डाल के इसको ऐसे ले आएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, प्रोसीजर सेम रहेगा बनाने में, सिर्फ यहां से स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब फिर हमारा ये सेंटर का फंदा आ गया, तो यहां से सिलाई डालेंगे नीचे से और इस फंदे को बना लेंगे, उतार देंगे, इसके नीचे से ऐसे लेके आएंगे और फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ पे। और अब हमारे ये जो है ये लास्ट के फंदे हैं, इनको भी सीधा बना देंगे और बैक साइड से ये पूरी रो हमारी उल्टी बन के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये डिजाइन डलता जाएगा। इन्हीं छह छह सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा। एक बार हम यहाँ पे दो फंदे से स्टार्ट करेंगे, फिर छह सिलाई कवर करेंगे, फिर दोबारा से छह बनाएंगे, तो यहाँ पे चार फंदे लेंगे हम। इन्हीं सिलाई को रिपीट करते हुए जाइएगा और प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।